होने जा रहा है हमारा जो रेड ईयर स्लाइडर जो कछुआ है, जो कि पानी के अंदर हमने यहाँ पे छोड़ा हुआ था, हमारे जो दूसरा जो वाटर एवरी जो है हमारी उसके अंदर तकरीबन 4 जोड़े के करीब है हमारे पास। उसका एक मादी जो है उसका एक बिहेवियर हम नोट कर रहे हैं, और अगर मैं गलत नहीं हूँ तो अंडे दे रही है। बिल्कुल मेरे पीछे वहाँ दरख के नीचे वो एक गड़ा खोद रही है, और ये आपको बहुत मुश्किल से ही नज़र आएगा। इसको मैं थोड़ा सा जूम, क्योंकि अगर हम आगे गए ना तो ये गड़ा खोदना जो है वो छोड़ देगी। ज़रा ये देखिएगा, ये देखिएगा, ये देखें जी, सामने आपको नज़र आ रही है मादी। ये अपनी पिछली पैरों का इस्तेमाल कर रही है, और ये आहिस्ता आहिस्ता करके गड़ा बना रही है, और इस गड़े के अंदर ये एक छोटा गड़ा बनाएगी और फिर ये देगी अंडे। और ये है रेड ईयर स्लाइडर। इसको ये बतख भी जो है वो परेशान कर रही है थोड़ा बहुत। अगर हम आगे गए तो ये बिल्कुल जो है वो गड़ा जो है वो खोदना छोड़ देगी। आ जाए जी, और दिखाता हूँ। और इस वक्त जो है वो हमारे जो टर्टल है, ये हमारा वो पॉन्ड है जिसके अंदर जो है वो रहते हैं। और भी हैं जो हमें अभी कहीं ना कहीं बैठे हुए नजर आ जाएंगे, नहीं तो नजर आ जाएंगे। एक ये रहा, ये और भी हमारे पास ये पानी के अंदर तैर है, और इस तरह और भी है। दूसरा कोई इधर छुपा हुआ होगा, कोई किधर होगा, वो जा रहा है। चले जी, तो मतलब ये है कि जो है हमारे फाइनली जो टर्टल्स है उन्होंने भी ब्रीडिंग स्टार्ट कर दी है। उसकी वजह ये कि इनको प्रॉपर माहौल दिया गया है, यहाँ पे पानी का भी, खुश्की का भी, रेत का भी, हर तरह का इंतजाम है जो इनकी नेचुरल हैबिटेट में होता है। तो इंशाल्लाह ताला अगर ये अंडे दे देती है तो उसकी भी वीडियो बना के हम अपलोड कर देंगे। थैंक यू सो मच, प्लीज़ शेयर अवर वीडियोज़। अल्लाह हाफ़िज़।